थैंक यू वीडियो शुरू करने के लिए। और वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 1.5-2 साल बाद एक वीडियो आज अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। और अब से रेगुलर ब्लॉगिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं रेगुलर ट्रैवलिंग शुरू करने वाला हूँ, कर दी है। इनफैक्ट टुडे इज़ द वेरी फर्स्ट ट्रिप वी हैविंग, जा रहा हूँ कसौली, चंडीगढ़ से कसौली का ट्रिप रहेगा एक दिन का। और ये ट्रिप मैं करूँगा बाइक पे। सो मैं ऑलरेडी सेक्टर 12 में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड की। इस पार्ट के बाद आप पूरा वीडियो वॉइस ओवर में देखेंगे और मैं जितने वीडियो बनाऊँगा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। वीडियो डू एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, जगह की जहाँ जा रहे हैं और कैसे जाएं, बजट ट्रैवलिंग कैसे रहेगी और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए पेट्रोल पंप ढूंढा जहाँ पे हमने सिर्फ 500 रुपये का पेट्रोल अपनी 160 सीसी बाइक में डलवाया और एयर प्रेशर चेक किया, क्योंकि वो ज़रूरी है माउंटेन्स रोड पर जाने के लिए। और 2 ही दिन पहले मैंने अपने बाइक की सर्विसिंग भी करा ली थी, तो बाइक की तरफ से आप निश्चिंत हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। और चलते चलते नज़ारों में इतना खो गए कि याद ही नहीं रहा कि जहाँ जा रहे हैं वो हाईवे का वीडियो भी बनाना है। तो वैसे भी काफ़ी देर बाद वीडियो शुरू किया था बनाना, तो कुछ स्किप हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि शिमला के हाईवे पकड़ना है आपको चंडीगढ़ से, जो कि आपको ईजिली एक्सेसिबल है, आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे, गूगल मैप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और धर्मपुर शहर है जहाँ से एंटर होने से पहले आपको कसौली चौराहा से कसौली के लिए मुड़ना है। और मुड़ते ही जिस सड़क को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस सड़क को आप पाएंगे कसौली शहर को जाते हुए। और अगर आपका बुकिंग बजट होटल में है तो ध्यान रखिए कि बजट होटल सारे के सारे कसौली से 3 किलोमीटर पहले गढ़खल गांव में या छोटे से शहर में है, कस्बे में है। तो बजट होटल का एड्रेस आप अच्छी तरह से चेक कर लें, वो सारे वहीं पे मिलेंगे आपको, क्योंकि कसौली सिटी के अंदर जो होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। और अगर आपकी होटल की बुकिंग कसौली सिटी के अंदर की, या अगर आपका होटल वो है जो कसौली सिटी के पार्किंग के आगे है, तभी आपको अलाउड किया जाएगा अपनी गाड़ी, पर्सनल व्हीकल, टैक्सी या बाइक को आप पार्किंग पॉइंट से आगे ले जाएं, अदरवाइज आप आगे नहीं लेकर जा सकते। और अगर बाई चांस आप चले भी जाएं और आपको ट्रैफिक पुलिस नोटिस कर ले या देख ले, तो 3100 रुपये का चलान भी है, ये याद रखिएगा। तो बेहतर होगा कि या तो आप किसी महंगे होटल में कसौली सिटी में बुकिंग रखें, या बजट होटल के लिए गढ़खल की ओर रुक करें। और हमने तो वैसे गढ़खल में ही होटल बुक किया था और करीबन कुछ 1150 रुपये में हमें एक रात के लिए होटल मिल गया था। और हम बढ़ते रहे अपनी मंजिल की ओर कसौली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 रुपये, चाहे बाइक हो या कार हो, 50 रुपये आपके पार्किंग लगेगी पहले 4 घंटे की, और उसके बाद हर 1 घंटे का 10 रुपये। और आपको पार्किंग की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही सिक्योर एंड सेफ पार्किंग है। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ साइड से अगर आप आएंगे तो आपको शिमला की बस पकड़नी है, जिससे कि आप धर्मपुर उतरेंगे, और धर्मपुर से आपको कसौली के लिए बसेस मिल जाएंगी जो सोलन की तरफ से आती हैं और कसौली के लिए। और वो बसेस भी इसी रोड पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आप एक बस देख भी सकते हैं, ये सोलन को जा रही है। तो ये बूथ आपको पार्किंग का पर्ची कटवाने के बाद इस पार्किंग में आना पड़ेगा, और आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, सेफ है, सिक्योर है, वॉशरूम्स भी हैं बने यहाँ पे, अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहें तो अंदर जा सकते हैं। और हम अपनी गाड़ी पार्क करके आगे चल दिए। पार्किंग से बाहर जैसे ही आप निकलेंगे, आपको होटल्स के लिए एजेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें कि एजेंट्स के झांसे में ना आए, होटल बुकिंग्स गढ़खल में बहुत ही ईजी और बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है। खुद जाएं, अपनी पसंद का होटल खुद बुक करें, 1000 से लेकर 2000 के बीच आपको होटल मिल जाएगा। होटल नहीं मिले तो होम स्टे भी एक अच्छा ऑप्शन है आजकल, तो होम स्टे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, एसी की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं रहती,
लेकिन आपको वॉशरूम में गीजर और होटल में खाने की सुविधा अच्छी मिल जाएगी। और कसौली में एंटर होते ही हम बिना वक्त गवाए निकल पड़े कसौली से मंकी पॉइंट की ओर। ये मंकी पॉइंट नहीं, इसको मंकी पॉइंट जितने भी बोर्ड्स मैंने पढ़े देखे जो कि सरकार द्वारा या कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा वहाँ पे लगाए हुए थे, वहाँ पे MANKY या MANKI मंकी पॉइंट लिखा हुआ था, नॉट MOENKY, ओके, वो जानवर वाला मंकी नहीं लिखा था। तो चलते चलते हमने पढ़ा कि ये रास्ता कुछ, आप कहीं भी पूछोगे तो आपको यही बोलेंगे कि 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, 2 किलोमीटर के डायमीटर में मंकी पॉइंट आपको मिल जाएगा। आपको चर्च ऑफ इंग्लैंड तो मिल जाएगा विद इन क्या, पार्किंग के साथ ही है चर्च ऑफ इंग्लैंड। और लेकिन मंकी पॉइंट जाने के लिए करीबन 6-6.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हम जैसे पंजाब मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए चढ़ना या पैदल जाना, या खासकर मेरे लिए क्योंकि आई एम हैवी विद द बॉडी सो अ बिट हार्ड। सो अभी हम दोनों को अभी हम दोनों को एक मेरी कैब ड्राइवर एक कैब ड्राइवर मिला और उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा, आप लोग यहीं पे वेट करो, तो क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है तो हम वेट कर रहे हैं। हाँ मैं मोटा मैं हूँ, सांस मेरी बोलनी चाहिए, ये अपनी सांस बुला के बैठा मेरी सर, ये अपनी सांस बुला के बैठा और मैं सोच रहा हूँ हाफ ना मेरे को चाहिए, ये क्यों हाफ रहा है। लेकिन भाई व्यू अच्छा है ना, व्यू बहुत अच्छे हैं, व्यू बहुत ही अच्छे हैं। लाइक ऐसे कसौली एक पहला हिल स्टेशन है जो मतलब मैदानी इलाके से, मैं समझता हूँ कि बाकी जैसे चंडीगढ़ से मैदानी इलाके से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको व्यू आपको वही मिलेगा। तो जैसे ही हमारे जो कैब ड्राइवर ने कमिट किया था कि मैं सवारी को छोड़कर 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, वो आए और हमारी जान में जान आई, क्योंकि तकरीबन 2 किलोमीटर ही चले थे चढ़ाई पे और मेरी तो सांस फूलने लग गई, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पे मुझे ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, तो हाँ मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो हम कैब में बैठे और उन्होंने करीबन हमसे 250-250 रुपये लिए और उन्होंने बताया कि आप कैब मंकी पॉइंट के लिए रिटर्न ट्रिप बुक कर सकते हैं, 2 लोग 3 लोग या चार लोग जितने भी अल्टो गाड़ी होगा, क्योंकि अल्टो ही चलती है, तो वो 500 रुपया रिटर्न ट्रिप का लेते हैं चाहे एक हो या 4 लोग हो। तो हमें उन्होंने 200 रुपये में मंकी पॉइंट पे या मनी स्टैंड पे उतारा और वहाँ एक पर्टिकुलर जगह है, क्योंकि सारा एरिया एयरफोर्स के कंट्रोल में है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो ये वही पॉइंट था जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन का बोर्ड भी लगा है और फोन अलाउड नहीं है, आप जैसे एंटर होंगे आपका फ़ोन जमा करवा लिया जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ की हेडफोन भी आपके पास नहीं छोड़े जाएंगे। अच्छी आ गई है क्योंकि एयरफोर्स के कंट्रोल में है, तो सिक्योरिटी अपनी जगह, देश अपनी जगह और टूरिज्म अपनी जगह। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंदर 1.5 किलोमीटर तक अंदर पैदल चलने के बाद ये सारी चढ़ाई चढ़ते हैं पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाया जाता है, जहाँ से पूरे दर्शन होते हैं। और उसके बाद हम वापस आए और पार्किंग के साथ अभी आपको दिखाता हूँ कि वो सामने पार्किंग है जहाँ हमने अपनी बाइक पार्क की थी और मंकी पॉइंट के लिए चले गए थे। और ये दिखे रोड, ये मंकी पॉइंट का रोड है और इन दोनों जगह के बीच हम वो जाके आ चुके हैं और हल्की हल्की बारिश का मौसम हो चुका है। और अब द ब्रिटिश चर्च, ये दूसरा मेजर डेस्टिनेशन है कसौली में, तो पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। तो चर्च का जो व्यू था वो
बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रेट्रो और बहुत ही पीरियड था। ऐसा लग रहा था कि पुराने दिनों में टाइम ट्रेवल करके पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमूमन ऐसी बिल्डिंग्स बहुत कम देखने मिलती हैं और बहुत अच्छा फील आ रहा था इसको देखने का। और मैं खुद भी पहले अगर किसी चर्च में गया था तो वो यही चर्च था, कसौली का ही, और ज़िंदगी में दूसरी बार किसी चर्च में आया हूँ तो वो भी यही चर्च है, कसौली का। हम अंदर गए और चर्च फादर से मिले और हमने परमिशन लेकर एक दो सेकंड का वीडियो कैप्चर किया, क्योंकि कैप्चरिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो हम फिर वहाँ से वापस आ गए, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे मेरा खींचा हुआ एक फ़ोटो देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कैमरे में इतना अच्छा कैद हुआ है तो रियलिटी में कैसा होगा। और उसके बाद हेरिटेज मार्केट कुछ हिस्टोरिकल तो नहीं है, लेकिन एक हिल स्टेशन पे बनी हुई, अच्छी लोकेशन पे बनी हुई और वेल मेंटेन मार्केट बहुत ही मनमोहक दृश्य देती है। तो वॉकिंग स्ट्रीट भी कह सकते हैं इसको। और हेरिटेज मार्केट पे हम जैसे ही एंटर हुए तो लगा कि पहाड़ों में ज़िंदगी हसीन ज़रूर है, रहना खुशगवार है। हाँ, कुछ मुश्किलें हैं जो हम मैदानी इलाकों में रहने वालों को पहाड़ों में फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर एक बार रहना शुरू कर दिया तो आदत तो कहीं की भी डाली जा सकती है। वहाँ पे फास्ट फूड कॉर्नर्स है, लेकिन पूछने पे, पार्किंग के लोगों से पूछने पे हमें पता लगा कि एक दो फेमस पॉइंट हैं जहाँ का जायका आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से एक कसौली कैफ़े है जहाँ के मोमोज और सूप बहुत ही लाजवाब माने जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ही ट्राई करेंगे। तो हमने एक प्लेट मोमो, और क्योंकि मैं ज़्यादा ठंडा या कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं लेना चाहता था तो सूप मुझे बहुत सही ऑप्शन लगा। लेकिन फूड ब्लॉगिंग मैंने नहीं की यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट ठीक था लेकिन इतना भी लाजवाब नहीं था कि मैं वीडियो बनाकर उसके रिकॉर्डिंग करूँ। लेकिन ठीक है, आप एक अच्छी लोकेशन पे हैं और कुछ ठीक ठाक खाने मिल रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन कसौली एक जगह है, कसौली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज़ बन समोसा और बन गुलाब जामुन खाने मिल जाएगा, जो कि शायद ही कहीं और पे या बहुत रेयर सिटीज़ों की जहाँ पे मिलता है। तो बन गुलाब जामुन तो मुझे सुनने देखने में बहुत वियर्ड सा लगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना बन समोसा ट्राई किया जाए। और जैसे कि मैंने मोमो सूप के बारे में कहा तो ठीक ठाक टेस्ट था भाई, खा लिया। और हाँ, भूख भी लगी थी, तो भूख लगी हो तो कुछ भी स्वाद लगता है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक टेस्ट था। और अंकल जी ने बहुत अच्छे से पका कर दिया, तो देखने में तो स्वादिष्ट लगा और खाने में भी ठीक ठाक था। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर किया जा सकता है, वरना पहाड़ों में जाकर तो हर कोई मैगी खाने में ही लगा होता है। तो आप एक फॉर अ चेंज आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ में चाय की चुस्की लेना ना भूलिएगा। हाँ, उसके बाद बारिश का मौसम था तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, अपने होटल रूम में वापस आ गए। ये वही होटल का कमरा है जो हमें 1200 रुपये एक रात के लिए मिला था, लेकिन हमने अपना घूमना, हमें लगा कि हम बहुत जल्दी घूम लिए, क्योंकि सनसेट पॉइंट के लिए जाने के लिए उस दिन अलाउड नहीं था, कुछ रीज़न था। तो एक ही पॉइंट बचा था तो सनसेट के लिए नहीं जा पाए, तो हमने डिसाइड किया कि 2 घंटा रेस्ट करेंगे और फिर हम वापस चल दिए। वापस जाते हुए भी वही नज़ारा, वही कसौली रोड, और आंखें बार बार जाती थी वादियों की तरफ, लेकिन मुझे अपना ध्यान रखना था अपनी सड़क पे, अपनी बाइक पे, ताकि मैं खुद को और अपने दोस्त को शॉन, जो कि मेरे एक बार कहने पे ही मेरे साथ तैयार हो गया आने के लिए, हम दोनों को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा सकूं। और हम निकल पड़े, और एक यादगार दिन, एक यादगार ट्रिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो में, बहुत जल्द मुलाकात होगी। वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।